तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आलोक। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम सारी चीज़ें आज स्वास्थ्य सचिव ने और अवनीश अवस्थी ने कही और क्या कुछ खास रहा। हम बात करेंगे वरिष्ठ संवाददाता वैष्णव विशाल त्रिपाठी से। वैष्णव जी, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, पॉइंट भी नोट कर रहा था तमाम सारी चीज़ों के, तो स्वास्थ्य को लेकर के तो बात की, लेकिन एक जो बड़ी बात है जो बाल श्रम विद्या योजना की बात की आज अवनीश अवस्थी जी ने, जिसमें कल मुख्यमंत्री इस योजना का शुभारंभ करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, जो जिसमें मजदूर हैं उनके बच्चों के लिए योजना शुरू की गई है और साथ ही साथ कोरोना को रोकने के लिए भी तमाम सारे उपाय। तो ये योजना भी कहीं ना कहीं उन मजदूरों को कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान करेगी। जी आलोक, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जैसा कि हर कोरोना के हर रोकथाम के लिए बहुत ही सजग हैं और उन्होंने एक कार्य योजना अधिकारियों को बता दिया है कि वो तैयार करें जिससे पूरे प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोरोना फैल न सके, और अधिकारियों को उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत कल मैं आपको बता दूं कि कल बाल श्रम दिवस भी है, जिसके उपलक्ष्य में कल एक योजना शुरू करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। इस योजना का नाम है बाल श्रम विद्या योजना। ये योजना बच्चों के श्रमिकों के बच्चों के लिए ये योजना होगी, जिसके तहत इन श्रमिकों के बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी आलोक जी। और इसके अलावा अगर बात करें तो अब रैंडम सैंपलिंग पर सरकार का कहीं ना कहीं फोकस है, जिस तरीके से स्वास्थ्य सचिव ने भी कहा कि अब वो वृद्धाश्रम जाएंगे वहां पर रैंडम सैंपलिंग करेंगे, डिलीवरी बॉय की करेंगे, मेडिकल स्टोर वालों की करेंगे, जिस तरीके से डिलीवरी सेंटर्स जो हैं वहां पर उन पर फोकस है, इससे अब आगे की जो स्थिति है उसका कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जाएगा। वैष्णव जी, जी आलोक, सरकार इस चीज़ के लिए शुरू से ही बहुत सजग थी। सरकार शुरू से ही टेस्टों पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही थी। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कई लाख श्रमिक वापस आए और लगभग 30 लाख श्रमिक उत्तर प्रदेश में वापस आए, जिसमें उन्होंने 98,000 श्रमिकों का कल तक का मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि 98,000 श्रमिकों का उन्होंने टेस्ट कर लिया था, जिसमें लगभग 3,500 के आसपास पॉजिटिव पाए गए थे जिनका इलाज किया जा रहा है। एक दिन में आज सरकार ने 15,079 सैंपल्स का रिकॉर्ड टेस्ट कर डाले हैं, जो कि अब इसको 20,000 टेस्ट का उन्होंने टारगेट रख लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में एक दिन में कम से कम 20,000 टेस्ट करेंगे आलोक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वरिष्ठ संवाददाता वैष्णव जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि सरकार का पूरी तरीके से टेस्टिंग को लेकर के फोकस है और कोरोना से जूझने के लिए लगातार सरकार पूरी तरीके से अपनी प्रतिबद्धता जाहिर कर रही है। तो इसी के साथ साथ जो स्लम्स एरिया हैं वहां पर भी अब सैंपलिंग होगी, डिलीवरी बॉय की सैंपलिंग होगी, होम डिलीवरी वालों के सैंपल लिए जाएंगे और मेडिकल स्टोर्स वालों के भी सैंपल लिए जाएंगे। बाल श्रम विद्या योजना का शुभारंभ करेंगे श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये योजना जो है बाल श्रम विद्या योजना श्रमिकों के बच्चों के लिए है, बाल श्रम निषेध दिवस है और इसके उपलक्ष्य में एक श्रमिकों के लिए एक बड़ी योजना।